हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मेहता और मेरी चैनल का नाम है वेल चाणक्य बाय अमित मेहता। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है डीमेट अकाउंट। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो आईपीओ वाले वीडियो में बताया था कि डीमेट अकाउंट आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है, तो आज हम जानेंगे कि डीमेट अकाउंट होता क्या है और उसके फ़ायदे क्या है। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डीमेट अकाउंट आपके लिए कंपलसरी है। ये डीमेट अकाउंट होता क्या है? तो पहले के टाइम में क्या था, शेयर फिजिकल रूप में मिलते थे, जो कि एक पेपर या सर्टिफिकेट के रूप में थे। तो वो पेपर स्टोलन हो जाने का खतरा रहता था, फट जाने का खतरा रहता था, या उसका कुछ भी मिसयूज हो जाने का काफ़ी खतरा रहता था। तो जो इंडिया में ये पूरे शेयर मार्केट को ट्रैक करती है और उसके ऊपर वॉच रखती है, वो इंस्टीट्यूशन है सेबी, मतलब कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसने ये डीमेट का कंसेप्ट लाया। डीमेट मतलब एक तरह का, हम पैसे जैसे लॉकर में रखते हैं, वैसे ही हमारा जो शेयर होते हैं या हमारा कुछ भी बॉन्ड होता है, मान लीजिए सोवरेन बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है या कुछ भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में जहाँ पे स्टोर होता है वह डीमेट अकाउंट हमारा होता है। तो डीमेट अकाउंट कहाँ ओपन होता है? तो डीमेट अकाउंट के लिए सेबी ने दो इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज किए हैं, वो है CDSL और NSDL। ये इंडिया में, CDSL का मतलब होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ज़्यादातर इंडिया में अकाउंट CDSL में है। इंडिया में करीब 5 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट होंगे, उसमें से ज़्यादातर CDSL में है। तो हम कहाँ ये अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? तो हम सीधे CDSL या NSDL में या सेबी में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अपना डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास जाके ओपन करवा सकते हैं। तो ब्रोकर कौन कौन से हैं? तो इंडिया में 3 तरह की ब्रोकर होते हैं। पहला जो होता है वो ज़्यादातर बैंक्स है। कई बैंक्स होती है जो डीमेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें SBI है, ICICI बैंक है, HDFC है, एक्सिस है, कई सारी बैंक है। वो उसमें एक ब्रांच या उसकी एक हैंड ही कह दीजिए, वो ये डीमेट अकाउंट और ये शेयर मार्केट में पूरा ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपना पहला डीमेट अकाउंट ये बैंक में खुलवा सकते हैं। हाँ, लेकिन बैंक्स में चार्जेस काफ़ी हायर रहते हैं, उसके AMC अकाउंट ओपनिंग चार्जेस वो काफ़ी हायर होते हैं। तो दूसरे होते हैं फुल टाइम ब्रोकर। इंडिया में कई सारे होते हैं जो कि अपना कुछ फंड सेबी में उनका जमा होता है और उसके मुताबिक उनको ट्रेड करने की छूट मिलती है शेयर मार्केट में। तो ऐसे फुल टाइम ब्रोकर में एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है, शेरखान है, ऐसे कई ब्रोकर है जो फुल टाइम ब्रोकर है। ये आपको एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी ऐप भी बनी होती है, उसमें आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी हो तो अच्छा रहता है। उनके पास से आपको टिप्स भी मिलती है और बहुत सारी जानकारी भी मिलती है। वो टाइम टू टाइम आप जिनको मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना हो उनके बारे में लर्निंग वीडियो भी आते रहते हैं, लर्निंग प्रोसेस भी होती रहती है। तो ये फुल टाइम ब्रोकर भी है। और दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर आपको केवल ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनका रेट सबसे कम रहता है। उसमें जरोधा है, अपस्टॉक है, 5 पैसा है, ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर काफ़ी सारे इंडिया में है। तो डीमेट अकाउंट क्यों ज़रूरी है? तो पहले के टाइम में डीमेट अकाउंट इतना ज़रूरी नहीं होता था, लेकिन हमने जैसे अपने पहले वीडियो में ही कहा था कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% रिस्क लेना है, तो उसमें से हमने रिस्क के एरिया में शेयर मार्केट का भी जिक्र किया था कि शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए डीमेट अकाउंट ज़रूरी है। तो डीमेट अकाउंट मैंने बता दिया, 3 टाइप के डीमेट अकाउंट है। तो आपको कहाँ खुलवाना चाहिए? तो आप पूरा रिसर्च कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वहाँ आप डीमेट अकाउंट खुलवाइए। तो डीमेट अकाउंट खुलवाते वक्त आपको कौन कौन सी जानकारी लेनी चाहिए? तो आपको सबसे पहला डीमेट अकाउंट का ओपनिंग चार्ज पूछना चाहिए कि इसका कितना चार्ज लगेगा। उसमें AMC चार्ज होता है, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, वो पूरे साल का एक चार्ज लेते हैं, तो वो कहाँ पे आपको सस्ता पड़ेगा। और भी कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं या कोई शेयर आपने खरीदा मार्केट से, उसकी डिलीवरी लेते हैं, तो उसके ऊपर वो लोग कौन सा चार्ज लेते हैं,
उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज होते हैं, सेबी चार्ज होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होते हैं, वो फिनोमिनल लगते हैं, उतने ज़्यादा होते नहीं, वो काफ़ी पॉइंट परसेंटेज में होते हैं, और उसके ऊपर GST भी लगता है। तो मान लीजिए आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो कुछ ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड सब करते हैं कि आप उनकी ऐप में से या उनके वेब प्लेटफॉर्म में से आप शेयर बाई कीजिए, तो उसके ऊपर ये चार्जेस पूरे लगते हैं। तो आपको पहले जान लेना चाहिए कि उसके कौन कौन से चार्जेस हैं, तो उस मुताबिक आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगे वहाँ आप अकाउंट ओपन करवा दीजिए। अब हम डीमेट के बारे में जानते हैं। डीमेट का पूरा मतलब क्या होता है? मतलब एक डीमटेरियलाइज का शॉर्ट फॉर्म डीमेट है। जो ये डीमेट अकाउंट खुलता है वो एक साथ दो अकाउंट हमारे खुलते हैं, पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट का हमें एक DPID मिलता है, वो हमारा डीमेट नंबर जनरली भाषा में लोग कहते हैं। तो आपका वो डीमेट आईडी होगा। पहले हम कोई भी शेयर खरीदे या बेचे तो वो हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए होता है, मतलब कि हमारे ब्रोकर के थ्रू ही हम शेयर बाय या सेल मार्केट में कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो T+2 डे का इंडिया में सिस्टम चल रहा है, मतलब वो 2 दिनों के भीतर भीतर आपके डीमेट में ये शेयर जमा करवा देगा। अगर आपने सब कुछ अपना ईमेल आईडी अपग्रेड करवा रखा है और ये सब करवाना पड़ता है तो आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। जब भी आप सेल करेंगे तो वहां से सेल हो जाएंगे। उसके लिए आपको सब कुछ ब्रोकर पावर ऑफ अटर्नी भी आपसे लेते हैं, मतलब कि आपके बिहाफ से वो सेल कर सके। अगर आप ये देना ना चाहे ब्रोकर को तो आपको CDSL या NSDL की वेबसाइट से सीधा कुछ OTP आएगा और एक ट्रांजेक्शन पिन भी आएगा। तो ये हो गई पूरी प्रोसीजर। वो मतलब कुछ बैंक है जैसे कि ICICI बैंक है, वो 3-in-1 अकाउंट ओपन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपका बैंक का सेविंग अकाउंट, उनका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट, ये तीनों की फैसिलिटी एक ही अकाउंट में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैंने जो ज़्यादातर देखा तो बैंक के चार्जेस काफ़ी हायर रहते हैं, और डिस्काउंट ब्रोकर है उसमें कुछ उनकी ऐप भी ठीक ठाक होती है लेकिन वो भी चलता है। हाँ, मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरा खुद का एंजल ब्रोकिंग में है, मेरे फैमिली में जेरोदा वगैरह में अकाउंट है, तो ये कुछ ठीक भी रहता है और अच्छा रहता है। एंजल ब्रोकिंग में अगर आप देखें तो उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, पहले साल अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो फ्री है, उसमें कुछ AMC चार्ज नहीं आता। मान लीजिए अगर आपको कुछ फ्यूचर में नहीं करना, ऑप्शन में डील नहीं करना, कॉमोडिटी में नहीं करते हैं या ट्रेडिंग भी नहीं करते हैं, केवल आपको कोई कंपनी का शेयर लेना है, उसको रख देना है लंबे टाइम के लिए या एक एक दिन से ज़्यादा के टाइम के लिए आपको रखना है, तो उसमें वो ₹20 डिलीवरी चार्ज आपको जब सेल करेंगे तब लगेगा, जब आप बाय करते हैं तो उसके ऊपर कोई ब्रोकर चार्जेस नहीं लगेगा। बाकी जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं वो फिनोमिनल होते हैं, STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, सेबी चार्ज, ये छोटे मोटे चार्जेस आप लगते हैं। जब भी आप वो शेयर बेचते हैं तो ₹20 का फ्लैट चार्ज लगेगा और उसके ऊपर ये सारे गवर्नमेंट चार्ज मिला के कुछ 23 या ₹24 के आसपास लगेंगे। तो ये सारे चार्जेस आपको जान लेने जरूरी है कि कौन कौन से चार्ज किस किस ब्रोकर में लगते हैं, उस मुताबिक आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए। आप चाहे तो ऑनलाइन करवा सकते हैं, इसके लिए कहीं भी हर जो तहसील के सिटी होते हैं वहाँ ये ब्रोकर की ऑफिस भी होती है, बैंक्स में भी आप विजिट करिए, ये लोग आपको अकाउंट ओपन करके दे देंगे। अगर आपको ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन करना हो तो आप गूगल में सिंपली डाल दीजिए कि एंजल का करना है, मोतीलाल ओसवाल का करना है, जरोदा का करना है, शेर खान 5 पैसा, कोई भी ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर में आपको अपना अकाउंट ओपन करना है तो वो तुरंत हो जाता है, 2-3 दिन में अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके लिए आपको अपना पान कार्ड, आधार कार्ड, एक कैंसिल चेक रेडी करके रखना है, अपनी सिग्नेचर रेडी करके रखनी है और एक छोटा सा वो एक आध मिनट का वीडियो आपका अपलोड करने को कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ लेके अगर आप बैठ जाए, गूगल में डाल दीजिए कि अकाउंट ओपनिंग, तो वो फॉर्म आ जाता है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे आगे जाते जाइए, और फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न भी इसमें सबमिट करना होता है, तो आपकी EKYC भी हो जाएगी, आपका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। और अकाउंट ओपन होने के बाद आपको वो एक यूज़र आईडी दे देंगे और फिर उनकी ऐप होती है वो आप प्ले स्टोर में से ले लीजिए,
और उसके ऊपर फिर आपका आप शेयर बाजार में पहला कदम रख सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट कंपलसरी है। आशा करता हूँ आपको डीमेट अकाउंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। आगे के वीडियो में हम और डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए डीमेट अकाउंट कंपलसरी है। इसमें आप अपना सोवरेन बॉन्ड म्यूचुअल फंड वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। ये एक तरह का लॉकर ही है और ये पूरा सेफ है। अगर ब्रोकर का कोई भी दिक्कत आ जाती है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ जो शेयर होता है वो CDSL की डिपोजिटरी में परमानेंट स्टोर रहते हैं। तो ये काफी फायदेमंद है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियो में मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के लिए। ओके, बाय।